की बड़ी बैठक, बीजेपी चुनाव समिति की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। मिशन 29 पर इस बैठक में मंथन चल रहा है। बैठक में वीडी शर्मा शामिल है, लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी हैं महेंद्र सिंह वो मौजूद है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं, लाल सिंह आर्य, हितानंद शर्मा, ये तमाम लोग इसमें बैठक में शामिल है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा हो रही है। और बिलासपुर में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की हालत नाजुक है। हादसे के बाद से ड्राइवर मौके से फरार है और पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। राजनांदगांव में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है। जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 2600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई थी, ग्रामीण इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, लेकिन महज 60% काम हो पाया, 40% अभी भी अधूरा है। कई ग्रामीण इलाके जहां आज भी टंकियां निर्माणाधीन हैं, नल का कनेक्शन नहीं हो पाया। 2021 से शुरू हुई ये योजना कछुए की रफ्तार से चल रही है। जिले के टप्पा ग्राम पंचायत में जुलाई 2021 से एक टंकी का निर्माण शुरू हुआ और वो बस अभी भी चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जल जीवन मिशन योजना जिले में बदहाली की स्थिति में है और हाल ये है कि महज जिले में 60% ही काम हो पाया है और 40% काम अभी भी अधूरे हैं। 2600 करोड़ की इस योजना में अधिकारियों की जो लापरवाही है वो देखते ही बनती है। हम अभी खड़े हैं टप्पा पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं कि जो टंकी की जो स्थिति है वो अभी भी आधा अधूरा निर्माण इस टंकी का हो पाया है और नल कनेक्शन नहीं होने के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। हर घर जल के इस स्लोगन के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन लोगों को पानी मिल ही नहीं पा रहा है और अधिकारियों की जो लापरवाही है वो देखते ही बनती है। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। और अब बात महासमुंद की, जहां अतिक्रमणकारियों ने शमशान और डंपिंग यार्ड तक को नहीं छोड़ा। जी हां, यहां भी बेजा कब्जा शुरू कर दिया गया। ये हाल नगर के वार्ड 1, 6, 7 और 9 के हैं। इस समस्या को लेकर नगरवासी पार्षद को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम को कार्यवाही के लिए ज्ञापन सौंपा गया। इसमें आए हैं, मतलब अतिक्रमण जो हुआ है और सन 1997-98 में अतिक्रमण को हटाया गया था नगर पालिका द्वारा, फिर से पुनः अतिक्रमण जारी कर दिया है और उसमें ऐसे कई समाज है जिनको मिट्टी देना पड़ता है, उसके लिए भी जगह नहीं छोड़ रहा है। और शासन के द्वारा जो विकास कार्य के लिए पैसा आया है वो वहाँ पे हो नहीं पा रहा है। गार्डन वार्ड नंबर 6, 7, 9 में शमशान भूमि जो है उसमें जनप्रतिनिधि द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्वजों ने पूर्वज से वहाँ दाह संस्कार करते थे और करते आ रहे हैं। जगह की समस्या नगर को होते जा रही है और उसके बावजूद भी इन लोग नहीं सुधर रहे हैं और अतिक्रमण करते जा रहे हैं। उनका आवेदन प्राप्त हुआ है मेरे को और उस पर जो है जो भी अतिक्रमणधारी हैं उनको नोटिस जारी करना है। आज नोटिस जारी हो जाएगा उनका और समय अवधि के बाद फिर हम उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे। आज धान खरीदी के आखिरी दिन राजनांदगांव के 96 धान खरीदी केंद्रों से धान बेचने के लिए 1,29,209 किसानों ने पंजीयन करवाया था और अंतिम दिन तक तकरीबन 1,24,000 किसानों ने अपनी धान की उपज बेची है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी ने कहा कि अब तक तकरीबन 70 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। समिति प्रबंधक उपेंद्र देशमुख ने बताया कि धान खरीदी के अंतिम दिन भी किसानों को टोकन जारी किया गया था और उसके मुताबिक रविवार को भी धान की खरीदी की गई। अभी तक 86,000 क्विंटल धान खरीदी हो चुका है, उसमें से 75,000 क्विंटल धान परिवहन हो चुका है। नहीं, आगे भी परिवहन होगा, सब डीओ वीओ कट रहे हैं।
और आज 4 किसानों का टोकन था, उनका धान खरीदी चल रहा है। 129,209 किसानों का धान खरीदी हेतु पंजीयन किया गया था, जिसमें से 123,111 किसानों के द्वारा 70,00,000 कुंटल धान विक्रय किया गया है, 56,32,000 कुंटल धान का परिवहन हो चुका है, 13,72,000 कुंटल धान अभी भी समितियों से परिवहन हेतु शेष है। कोरबा में रेलवे प्रबंधन की अनदेखी हादसे को दावत दे रही है। सीतामणि नाला पुल जर्जर हो चुका है, पुल पर लगे एंगल और पाइप टूट चुके हैं। इस पुल पर यातायात का बहुत दबाव रहता है, हादसे की आशंका बनी रहती है। बावजूद इसके रेलवे प्रबंधन इसकी मरम्मत को लेकर गंभीर नहीं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सीतामढ़ी के इस रेलवे पुल की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर हो गई है, और यहाँ से इस रोड की अगर बात करें तो रोड में लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, और ये एक रोड जो स्टेशन को जोड़ती है और एक इधर शहर के लिए निकलती है, इसको जो दबाव है यहाँ का हमेशा बना रहता है, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से ये हालत है पुल की आप देख सकते हैं कि ये टूटी हुई है, और इसकी मरम्मत जो है कई सालों से नहीं हुआ है। रेलवे प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, यही कारण है कि ये पुल की स्थिति बिगड़ते जा रही है और कभी ना हादसे को भी दावत दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के पार्षद, उनसे बात करेंगे कि क्या हालत दिख रही है इस पुल की। ये जो ऊपर के डिवाइडर है भैया, ये पुल में लगे रिशो पूरा जर्जर हो गए है, एक कारण कई ठो अभी हादसा हो है करा। तो आप मन के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये निवेदन करबो कि रेलवे पुल के ऊपर जो जर्जर है बोला ठीक मरम्मत करा दे। कितना दबाव रहता है इसमें, घुमावदार ये मोड़ भी है, ये मोड़ है वो दबाव रमेश करते कि रेलवे स्टेशन रोड दबाव है, अभी नहर पार और ये दोनों में ही दबाव रहता है रेलवे के पूरा। यहाँ पर घटना भी इससे पहले हुआ था? हाँ, एक दो घटना घटे है। तो क्या चाहते हैं आप लोग की यहाँ मरम्मत, रेलवे ध्यान क्यों नहीं दे रहा, क्या लग रहा है? पता नहीं, रेलवे कर्मचारी मन खुदे में आना जाना करते भी है। तो देख सकते हैं कि जो रेलवे कर्मचारी और रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी इस रोड का इस्तेमाल करते हैं, और लोग बड़ी संख्या में इसी मार्ग से स्टेशन पहुँचते हैं। अब देखना है कि रेलवे इस मामले में क्या पहल करता है। अब्दुल असलम, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, कोरबा।